JK24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। जम्मू संभाग के कई हिस्सों में कल बारिश का सिलसिला जारी रहा, जहां पर तेज बारिश भी कल जो है वो देखने को मिली। इस बारिश के कारण कई सारे नुकसान हुए हैं और एक महिला की जान भी गई है। पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर आत्मा की शांति के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। बीते कल की बात करें तो बीते कल जिस प्रकार से जो है वो तेज बारिश का सिलसिला जम्मू संभाग के कई हिस्सों में देखने को मिला, जहां पर सोमवार की देर रात से ही तड़के काफी ज्यादा बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा, जहां पर आफत की ये बारिश रही। हालांकि जम्मू की बात करें तो जम्मू में हल्की बूंदा बारिश देखने को मिली, लेकिन वहीं पर जम्मू संभाग के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर आफत की बारिश पड़ी। वहीं पर आपको बता दें कि राजौरी जिला के थाना मंडी इलाका में ढोक से फिसलने के कारण नदी में महिला गिर जाती है, जिसके कारण महिला की मौत हो जाती है। उनकी उम्र जो है वो 52 वर्ष बताई जा रही है और महिला का नाम जो कि खुर्शीद बेगम जो है वो बताया जा रहा है। महिला जो कि राजौरी जिला के थाना मंडी इलाके से वो रहने वाली थी और जिस प्रकार से नदी में जो है वो उनका पांव फिसल जाता है, जिसके चलते खुर्शीद बेगम जो है उनकी मौत हो जाती है, उनकी जान चली जाती है। 52 उनकी वर्ष है, बेहद ही दुखद है जिस प्रकार से कल आफत की बारिश रही और इस आफत की बारिश में एक महिला की जान चली गई। वहीं पर सांबा की बात करें तो जिला सांबा के बड़ी ब्रह्मणा इलाके की बुलोल खड में तेज बहाव के कारण जो है वो कार बह गई। हालांकि किसी प्रकार का कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ कार जो है वो जरूर बह गई और इसके आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश से घरों में पानी भी घुस गया। कल जिस प्रकार से बारिश का सिलसिला जम्मू संभाग के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला, वहीं पर जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू शहर में हल्की बूंदाबारिश जो है वो जरूर देखने को मिली, लेकिन कई इलाकों में नुकसान भी देखने को मिला। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भूस्खलन से राजौरी के कोटरंग का खास मार्ग अवरुद्ध हो गया, यानी कि वहां पर जो है वो मार्ग में काफी ज्यादा जो है वो लोगों को दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा। धुंध के कारण कटरा सांझी छत चौपर सेवा जो है वो बहाल आपको बता दें कि धुंध के कारण कटरा सांझीता चौपर सेवा जो है वो दोपहर बाद बहाल हो पाई। जिस प्रकार से बारिश जो है वो काफी ज्यादा थी, जिसके चलते जो है वो चौपर सेवा जो है वो बंद करनी पड़ी और दोपहर के बाद जो है वो बहाल कर दी गई। वहीं पर मौसम विज्ञान की बात करें तो केंद्र श्रीनगर के अनुसार 31 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा और जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। पिछले 24 घंटे में जम्मू में बारिश आपको बता दें कि 118.3 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है। कठुआ में 109.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। सांबा जिला में 35 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है। वहीं पर सोमवार यानी कि बीते कल की बात करें तो बीते कल में जिस प्रकार से बारिश का सिलसिला जारी रहा और सोमवार की मध्य रात्रि से ही बारिश काफी ज्यादा देखने को मिली, लेकिन फिलहाल आज की बात करें तो आज जो है वो आसमान में बादल छाए हैं, हल्के बादल और धूप भी जो है वो आज दिन भर नजर आएगी। लेकिन बीते कल बारिश के चलते, आफत की बारिश के चलते कई नुकसान हुए। एक महिला की मौत हो गई, महिला का पांव जो है वो फिसल जाता है और नदी में महिला गिर जाती है। खुर्शीद बेगम जिनकी जान चली गई, 52 वर्ष की है, राजौरी जिला के थाना मंडी इलाके से ये बिलोंग करती है और नदी में गिरने से इनकी मौत हो गई, नदी में गिरने से इनकी जान चली गई। बेहद ही दुखद है और कई लोगों के घर में पानी भी चले गया, एक कार भी बह गई। काफी ज्यादा नुकसान जो है वो कल बीते समय में देखने को मिला। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से आपको बता दें कि 31 अगस्त तक जो है वो मानसून सक्रिय रहेगा और जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश भी होने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है, लेकिन पिछले 24 घंटे में भारी नुकसान हुआ है। 24 घंटे में जो है वो काफी ज्यादा नुकसान का सामना यानी कि नुकसान देखने को मिला है, नुकसान का सामना करना पड़ा है। लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कत परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ा। हालांकि जम्मू की बात करें तो जम्मू शहर में जो है वो बिल्कुल हल्की बूंदाबारिश सुबह सवेरे देखने को मिली, के बाद दिन में जो है वो जिस प्रकार से धूप देखने को मिली, धूप जो है वो निकल आई। लेकिन जम्मू संभाग के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है और एक महिला की मौत हो गई है। खुर्शीद बेगम जिनकी जान चली गई है नदी में गिरने से, बेहद ही दुखद ये समाचार है।
कमेंट सेक्शन पर आत्मा की शांति के लिए दुआ जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल आज की जानकारी मैं आपको दे दूं तो आज मौसम जो है वो इसी प्रकार से रहेगा, यानी कि हल्की धूप और हल्के बादल जो है वो आपको नजर आएंगे और 31 अगस्त तक मानसून जो है वो सक्रिय है। और इस समय आप देखिए आसमान में बादल छाए हैं, बेहद ही अच्छा मौसम है, लेकिन दिन में मौसम में तब्दीली हो जाती है, मौसम में बदलाव हो जाता है, जहां पर कड़क धूप जो है वो देखने को मिलती है। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पर राय भी जरूर रखिएगा और आत्मा की शांति के लिए भी महिला के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।